हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षित। जैसे कि आपको पता है, हम पीसीएस के प्रीवियस ईयर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब्जेक्ट वाइज आपके साथ डिस्कस करते हैं। जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन जो हैं वो केतन सर लेते हैं, और जनरल साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, जो पीसीएस का पेपर आया था 2012 में, उसमें अराउंड 25 क्वेश्चन आए थे जनरल साइंस से। ठीक है, और 2018 में भी अराउंड 15 to 18 क्वेश्चन थे जनरल साइंस के। ठीक है, तो मींस कि एग्जामिनर जो है वो 25 तक की भी लिमिट रख सकता है जनरल साइंस से। तो आपको जनरल साइंस पे भी अच्छे से फोकस करना है। ठीक है, जनरल साइंस को छोड़ मत देना, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो पीसीएस के 2012 में पेपर आए थे, अराउंड 25 क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास में हम अराउंड 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम अराउंड 15 क्वेश्चन, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होंगे, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैं हर क्लास में बताती हूँ, क्वेश्चन के बाद आंसर अपने आप खुद करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन था एटम। एटम के बारे में चार आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कैन रिटेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल एलिमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो तीनों ऊपर स्टेटमेंट्स है वो तीनों एटम से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो उसको मार्क कर लेते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है, येस, कितनी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, येस। उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सारे एलिमेंट सॉरी जो एलिमेंट की सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको शो करता है, येस। यानी कि इसका जो आंसर आएगा दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज जो है वो एटम जो है वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ट्रांसफर हीट बिटवीन टू बॉडीज। यानी कि हीट ट्रांसफर का इन चारों में से कौन सा मेथड नहीं है, यानी कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी जब हीट ट्रांसफर हो रही है। सबसे पहला है कंडक्शन, नेक्स्ट इज कन्वेंशन, देन इज एब्जॉर्प्शन, लास्ट है रेडिएशन। इन चारों में से कौन सा मेथड है जिसमें हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है? द आंसर इज इट्स सी, एब्जॉर्प्शन। अब एक एक करके इन चारों को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्शन बेसिकली क्या है? कंडक्शन होता है जब कोई दो ऑब्जेक्ट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ठीक है, और उनमें टेम्परेचर डिफरेंस है, कोई ठंडा है कोई गर्म है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हीट ट्रांसफर का मेथड है। कन्वेंशन में क्या होता है? कन्वेंशन मोस्टली किस में होती है? लिक्विड्स एंड गैसेस में होती है, सॉलिड्स में कन्वेंशन नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो हीट ट्रांसफर है वो थ्रू आउट द फ्लूइड जो है वो ट्रांसमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पानी को बॉईल कर रहे हैं, ठीक है, गर्म तो हम सिर्फ नीचे कर रहे होते हैं, तो ऊपर का पानी भी कैसे गर्म हो जाता है? क्योंकि वो उसके अंदर एक कन्वेंशन करंट होता है कि जो गर्म, जैसे नीचे का पानी गर्म हुआ तो उसकी प्रॉपर्टी है कि वो लाइट हो जाता है और वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ऊपर का जो ठंडा पानी है वो नीचे को आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये बीकर है, यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे गर्म पानी हो गया, ऊपर का पानी ठंडा है, नीचे का पानी गर्म है, तो जैसे ही पानी गर्म होगा ये ऊपर राइज करता रहेगा, और जो ऊपर का ठंडा पानी है वो नीचे आता रहेगा, जिससे वो एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है और पूरा जो पानी है वो गर्म हो जाता है। तो उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कन्वेंशन। एब्जॉर्प्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन यानी कि कोई भी चीज पूरे अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर रहा है, समा रहा है। जैसे मान लो कि पानी रखा है, मैंने उसके ऊपर कोई स्पॉन्ज रख दिया, तो वो स्पॉन्ज जो है वो सारा पानी अपने अंदर सोख लेगा, तो डैट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, रेडिएशन में क्या है? रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होती है थ्रू एनी मीडियम, जैसे कैंप फायर है। ठीक है, कैंप फायर के आसपास जब बंदे बैठे होते हैं तो सबको गर्मी लगने लग जाती है थोड़ी देर बाद, जैसे लोहड़ी पे जलाते हैं, ठीक है, उसके आसपास सबको हीट पहुंचनी शुरू हो जाती है, तो वो हीट एयर के थ्रू ट्रैवल हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, तो दैट इज नोन एज रेडिएशन। यानी कि इसमें एब्जॉर्प्शन ही ऐसा ऑप्शन था जिसमें हीट ट्रांसफर थ्रू टू बॉडीज नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लैंड एंड सी ब्रीज आर कॉज्ड बाय डिफरेंस इन रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अर्थ एंड वाटर। चूज द करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, लैंड और सी ब्रीज जो होती है वो डिफरेंस, यानी कि अर्थ के और वाटर के डिफरेंस इन रेट ऑफ कूलिंग, यानी कि एक जो है वो जल्दी ठंडी होती है, एक को टाइम लगता है ठंडा होने में, जिसकी वजह से लैंड और सी ब्रीज जो है वो होती है। ठीक है, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज करना है, सी ब्रीज मूव फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग नाइट, या सी ब्रीज मूव फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग डे। सी ब्रीज सॉरी लैंड ब्रीज मूव फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग नाइट, या नन ऑफ द अबव। द ऑप्शन इज इट्स ए। जो सी ब्रीज है, सी ब्रीज एक तो रात को होती है, और फ्रॉम सी से हम लगा सकते हैं कि सी से स्टार्ट होती है टूवर्ड्स लैंड। अब पानी जो है, पानी को टाइम लगता है कूल होने के लिए, और अर्थ यानी कि जो सैंड होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है, तभी जो डेजर्ट वाले एरियाज होते हैं रात को बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि जो उसमें अंदर जो सैंड है वो बहुत जल्दी हीट को ट्रांसफर कर देती है, लूज आउट कर देती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो सी के ऊपर ठंडी हवा होती है वो लैंड के ऊपर सर्कुलेट होना शुरू हो जाती है, जिससे क्या क्रिएट होता है, सी ब्रीज, और ये रात को होती है। और जो लैंड होते हैं उसकी वो कब होती है, वो नाइट में नहीं होता, दैट हैपन्स इन डे। ठीक है, उसे बोलते हैं लैंड ब्रीज, और वो सी टू लैंड नहीं चलती है, वो किससे चलती है, वो लैंड टू सी चलती है। ठीक है, दिन में बहुत धूप पड़ती है, धूप में सैंड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो जल्दी ठंडी होती है तो वो जल्दी गर्म भी हो जाती है, और पानी को थोड़ा टाइम लगता है गर्म होने के लिए। ठीक है, तो लैंड से जो हवा है वो सी की तरफ मूव करनी शुरू हो जाती है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं लैंड ब्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म ड्यूरिंग विंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स इज इनकरेक्ट। अब क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखने पूछा है इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ठीक है, अब करेक्ट और इनकरेक्ट में बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, बहुत कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि वूल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ फाइबर्स रिटेन हीट, यानी कि जो चार्ज क्रिएट हो जाता है फाइबर्स में, कभी वुलन क्लोथ्स उतारते हैं तो वो चार्ज, ठीक है, थोड़ी सी झंझनाहट सी फील होती है, तो वो चार्ज हो जाता है वुलन क्लोथ्स में, तो वो जो चार्ज होता है वो हीट को पकड़ के रखता है, रिटेन करके रखता है। थर्ड ऑप्शन है कि वूल कीप्स एयर ट्रैप्ड इन इट्स फाइबर, वूल रिजिस्ट एस्केप ऑफ बॉडी हीट टू एनवायरमेंट। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कि वूल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, यस, तभी वो जो हीट है उसको ट्रांसफर नहीं होने देता, बाहर निकलने नहीं देता, वो बॉडी में ट्रैप करके रखता है। ठीक है, जिससे हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो भी ठीक हो गया, और वूल जो है बॉडी हीट को बाहर एनवायरनमेंट में नहीं निकलने देता, क्योंकि इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, वो जो चार्ज कई बार क्रिएट हो जाता है वुलन क्लोथ्स में, वो उसका कोई भी लेना देना हीट से नहीं है, यानी कि वो कभी भी हीट को रिटेन करके नहीं रखता है, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट वॉट टेम्परेचर डू दी सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स विल रीड द सेम, यानी कि ऐसे कौन से टेम्परेचर पे जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स हैं वो सेम टेम्परेचर रीड करते हैं, यानी कि दोनों में सेम टेम्परेचर आता है, -32 डिग्रीज, 32 डिग्रीज, 40 डिग्रीज और एब्सोल्यूट 0 डिग्रीज। कौन से टेम्परेचर पे दोनों स्केल्स में टेम्परेचर सेम आता है, दैट इज इट्स सी, 40 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो है कि जो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फ़ारेनहाइट -39 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 5/9, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाए तो ये आपके पास फ़ारेनहाइट से सेल्सियस डिग्री में वैल्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। जब आपको इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की वैल्यू सेम रखनी है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि इस सेल्सियस की जगह आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट रख के इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो जिससे आपकी वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रेशर कुकर हेल्प्स इन कुकिंग फूड फास्टर बिकॉज, कि प्रेशर कुकर, खाना बनता है घर में कुकर में, तो वो क्यों, कैसे उसमें खाना जल्दी कैसे बन जाता है, उसका क्या रीजन क्या है। सबसे पहले कि इट रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट राइज हो जाता है, कि खाना
उसका जो अंदर लिक्विड है, पानी है, वो जल्दी बॉयल होना शुरू हो जाता है। इट कैन कंजर्व हीट बीइंग मेड अप ऑफ स्पेशल मेटल, कि कुकर एक स्पेशल मेटल से बना होता है और वो हीट को रिटेन करके रखता है, अपने अंदर कंजर्व करके रखता है। ये थर्ड ऑप्शन है कि डज नॉट अलाउ एटमोसफेयर टू कूल डाउन दी फूड, कि वो बाहर के टेम्परेचर को खाना ठंडा करने नहीं देता है। या इट्स डी प्रोवाइड मीडियम ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट टू फूड, या एक कंडक्शन का मीडियम बनाता है किसे खाना जो गर्मी है, जो हीट है, वो खाने तक पहुंच सके। इसमें से सबसे ऑप्शनल करेक्ट ऑप्शन क्या है? इट्स ए कि ट्राइजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे जैसे उसमें हीट बनती रहेगी वैसे वैसे उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता रहेगा, जिससे खाना जो है वो जल्दी पकना शुरू हो जाता है और वो बर्न नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेंसिटीज ऑफ वाटर एंड आइस आर, आइस और वाटर की जो डेंसिटीज हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, डिफरेंट होती हैं, इक्वल भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, इट्स नन ऑफ दी अबव, इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका आंसर क्या है कि आइस और वाटर की जो डेंसिटीज हैं वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जो वाटर की डेंसिटी है दैट इज 997 kg पर मीटर क्यूब, एंड आइस की जो डेंसिटी है दैट इज 900 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि जो आइस है वो वाटर से लाइट होती है, इसलिए जो आइस है वो वाटर के ऊपर ही फ्लोट करती रहती है, तैरती रहती है। ठीक है, क्योंकि आइस इज लाइटर देन वाटर, तो दोनों की डेंसिटीज जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एयरक्राफ्ट विच इज हैवियर देन एयर फ्लाइज इन एयर ड्यू टू, कि कोई भी एक एयरक्राफ्ट है ऑब्वियसली एयर से हैवी होता है, भारी होता है, लेकिन फिर भी वो हवा में कैसे उड़ पाता है? ठीक है, ब्योन्सी की वजह से, फॉरवर्ड मोशन ऑफ एयरक्राफ्ट की वजह से, या डिफरेंस इन द प्रेशर ऑन अपर एंड लोअर साइड्स ऑफ द विंग, यानी कि जो ऊपर और नीचे की साइड पर जो विंग्स होते हैं उनके अंदर प्रेशर का डिफरेंस होता है, या जेट प्रोपल्शन की वजह से। द आंसर इज इट्स सी, डिफरेंस इन द प्रेशर ऑन द अपर एंड द लोअर साइड्स ऑफ द विंग्स। ठीक है, यानी कि अपर और लोअर साइड्स के बीच में प्रेशर होता है। ठीक है, जैसे प्लेन जो है हवा से तेज चलना शुरू होता है, ठीक है, जो टॉप विंग है, जो ऊपर वाली विंग है, उसमें जो प्रेशर होता है वो कम होता है। ठीक है, और लोअर पे साइड्स की जो विंग होता है, इसमें जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। तो इन दोनों प्रेशर की डिफरेंस की वजह से वो एक फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से विंग्स के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करता है, जिसकी वजह से विंग्स जो हैं वो हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं और जो एयरक्राफ्ट है वो हवा में इजिली टेक ऑफ कर लेता है। ठीक है, तो यही रीज़न है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट इजिली फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बेयोंसी बेसिकली वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं लिक्विड्स, जो अगर किसी भी सॉलिड को पार्शली या फुली जो है पानी के अंदर पूरा डुबो दिया जाए, तो वो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है वो एकदम से बाउंस बैक होता है। ठीक है, तो वो जो प्रेशर होता है दैट इज ब्योन्सी। फॉरवर्ड मोशन ऑफ द एयरक्राफ्ट का तो कुछ नहीं है कि फॉरवर्ड मोशन है यानी कि आगे की तरफ चल रहा है, उससे क्या पता चलेगा? कुछ भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, और जेट प्रोपल्शन बेसिकली होता है कि जब कोई भी एयरक्राफ्ट है या रॉकेट है, ठीक है, तो वो कोई बहुत ही ज़्यादा एक गैस या लिक्विड जो है वो इजेक्ट करता है, यानी कि निकालता है बाहर। ठीक है, तो वो जो होता है दैट इज जेट प्रोपल्शन, जिसका कोई भी लिंक नहीं है कि वो फ्लाई कैसे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, ठीक है, कि जो बॉडी है वो ठंडी हो रही है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इट्स साइज एंड द वेलोसिटी ऑफ एयर अराउंड इट, उसके अपने साइज के ऊपर, और आसपास जो एयर है वो किस स्पीड से चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स, बॉडी और सराउंडिंग्स के बीच में क्या टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, थर्ड मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, और डी इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स, यानी कि जो सराउंडिंग का आसपास का जो टेम्परेचर है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी जो है वो अपने आप ही कूल हो जाती है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? रेट ऑफ कूलिंग ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करती है? इट्स बी डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग्स। ठीक है, अब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तभी जो है वो बॉडी जो है कूल हो पाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जैसे गर्मियां हैं, ठीक है, गर्मियों में जब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही होती है स्वेट आता है। ठीक है, स्वेट के बाद हमारी जो बॉडी है वो कूल होना शुरू हो जाती है।
क्योंकि जो स्वेट है वो आसपास के टेम्परेचर, ठीक है, पानी है वो आसपास का जो टेम्परेचर है उसको ठंडा कर देती है, उसकी जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस आ जाता है और जो बॉडी है वो कूल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो कूलिंग ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन कि दोनों बॉडी और सराउंडिंग्स के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसकी वजह से जो बॉडी है वो कूल होना शुरू हो जाती है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ सब्सटेंस पासेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैशियस स्टेट या वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, यानी कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस में चेंज हो रही है, ठीक है, और लिक्विड स्टेट में नहीं जा रही है, तो इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, म्यूटेशन, कंडेंसेशन और इट्स डी सब्लिमेशन। इट इज नोन एज डी सब्लिमेशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कैम्फर पढ़ा था, आयोडीन के बारे में पढ़ा था, तो ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं ये डायरेक्टली सब्लाइम करते हैं, यानी कि सॉलिड से वेपर स्टेट में चेंज हो जाते हैं विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट, ठीक है। एक बार इन तीनों के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। वेपराइजेशन क्या है? वेपराइजेशन इज जिसमें जो लिक्विड्स हैं वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, उस प्रोसेस को वेपराइजेशन कहते हैं, ठीक है। म्यूटेशन में क्या होता है? म्यूटेशन होते हैं बेसिकली किसी जीन का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं, ठीक है, जीन का स्ट्रक्चर चेंज कर देते हैं कोई भी एक नई स्पीशीज को बनाने के लिए, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन, ठीक है, जब कोई गैसेस जो है वो लिक्विड्स में ठंडी हो रही है, कंडेंस हो रही है, ठीक है, जब गैसेस जो है वो लिक्विड्स में चेंज हो जाती हैं उसे क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। एंड सब्लिमेशन, जैसे कि पढ़ा था कि सॉलिड्स वेपर स्टेट में चेंज हो रहे हैं विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। तो आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, नेक्स्ट क्लास में हम 15 जो पीसीएस की 2012 के रिमेनिंग जो 15 क्वेश्चंस थे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।